नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे पठन पाठन का विषय है कामायनी का श्रद्धा सर्ग भाग 8। इस श्रद्धा सर्ग के भाग 8 के अंतर्गत हमने 4 पद्यांश सम्मिलित किए हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सर्वप्रथम इन पद्यांशों का सस्वर वाचन। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष। दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष। दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूँ ललित कला का ज्ञान। इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। घूमने का मेरा अभ्यास बड़ा था मुक्त व्योम तल नित्य। कुतूहल खोज रहा था व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। घूमने का मेरा अभ्यास बड़ा था मुक्त व्योम तल नित्य। कुतूहल खोज रहा था व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। ये आपका सस्वर वाचन। और आइए अब कठिन शब्दों पर गौर करते हैं। आगंतुक का अर्थ है अतिथि, अभ्यागत मेहमान। उत्कंठा का अर्थ है जिज्ञासा। मधुमय का अर्थ है मधुर अथवा प्रिय। कोकिल का अर्थ है कोयल। ललित कला, उन कलाओं को कहा गया है जिनके अभिव्यंजन में सुकुमारता और सौंदर्य की अपेक्षा हो। व्यस्त का अर्थ है व्याकुल अथवा लालायित। सत्ता का अर्थ है अस्तित्व अथवा परम सत्ता से, ईश्वर से। सुंदर सत्य का अर्थ यहाँ शाश्वत सौंदर्य से लिया गया है। अधीर का अर्थ है आकुल अथवा उद्विग्न। सिकुड़न का अर्थ है संकुचित होना। और पीर का अर्थ है पीड़ा अथवा व्यथा। आइए अब प्रसंग पर गौर करते हैं। कवि हैं जयशंकर प्रसाद, ग्रंथ है कामायनी और कामायनी का श्रद्धा सर्ग। प्रसंग है कि संदर्भ है कि मनु की जिज्ञासा को शांत करते हुए श्रद्धा अपना परिचय दे रही है। ये पद्यांश हैं श्रद्धा के परिचय के संदर्भ में ही हैं। आइए अब इसका व्याख्या भाग चुन लेते हैं कि इसकी अर्थ और भावार्थ क्या होगा। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष। दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यो मधुमय संदेश। यहाँ श्रद्धा के आने का समय पहले से निश्चित नहीं था। वह बिना पूर्व सूचना के अचानक आ गई थी, अतः उसे
आगंतुक व्यक्ति कहा गया है। व्यक्ति शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग है किंतु हिंदी में पुल्लिंग है। स्त्री श्रद्धा के लिए व्यक्ति, आगंतुक, अतिथि आदि संज्ञाओं एवं आ गए, थे आदि क्रियाओं का पुल्लिंग प्रयोग प्रसाद जी का शैलीगत वैशिष्ट्य माना जाना चाहिए, उनकी शैली की विशेषता है। अर्थ एवं भावार्थ कि उत्सुक मनु की उत्कट जिज्ञासा का समाधान करते हुए अभ्यागत व्यक्ति अर्थात श्रद्धा ने मधुर स्वर में इस प्रकार कहना आरंभ किया, मानो कोई कोयल प्रसन्न मन से पुष्प को सुखद वसंत के शुभ आगमन की प्रिय सूचना दे रही हो। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूँ ललित कला का ज्ञान, इधर रहे गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान। श्रद्धा आगे कह रही हैं अपना परिचय देते हुए, अपने बारे में बताते हुए कि मेरे मन में नया उत्साह उमड़ रहा था, भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूँ ललित कला का ज्ञान। मैंने सोचा कि कला और संस्कृति के इस केंद्र, इस गांधार देश में कुछ समय तक रहकर ललित कलाओं में पारंगत हो जाऊं, इधर रहे गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान। अति प्राचीन समय में तक्षशिला से लेकर पूर्वी अफगानिस्तान तक का जो विस्तृत भूभाग था उसे गंधर्व देश अथवा गंधार अथवा गांधार कहा जाता था। यहाँ गंधर्वों के देश से तात्पर्य वही लिया गया है। इधर रहे गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान, वत्सल पिता में मेरे प्रति अतिशय स्नेह होने के कारण मुझे अपने संकल्प को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उन्होंने सहर्ष मुझे अनुमति दे दी इस स्थान पर आने की और ललित कलाएं सीखने की। घूमने का मेरा अभ्यास बड़ा था, मुक्त व्योम तल नित्य कुतूहल खोज रहा था, व्यस्त हृदय संता का सुंदर सत्य। घूमने का मेरा अभ्यास बड़ा था, मुक्त व्योम तल नित्य। श्रद्धा कह रही हैं कि खुले आकाश के नीचे अथवा उन्मुक्त वातावरण में स्वच्छंदता पूर्वक भ्रमण करने की मेरी आदत पड़ गई थी। कुतूहल खोज रहा था, व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। बलवती जिज्ञासा से प्रेरित होकर अथवा कुतूहलवश व्याकुल मैं हृदय में प्रतिष्ठित परम सत्ता के बाह्य प्रकृति में अभिव्यक्त। ऐसा माना जाता है कि प्रकृति परम पिता परमेश्वर की ही प्रतिच्छवि है, तो वहाँ उसी बात की ओर संकेत किया जा रहा है कि मैं हृदय में प्रतिष्ठित परम सत्ता के बाह्य प्रकृति में अभिव्यक्त शाश्वत एवं विराट सौंदर्य का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए निरंतर लालायित रहती थी। यहाँ तत्सम शब्दावली के कारण कुछ कठिन शब्द एवं अर्थ आते हैं जो जिनका अर्थ ग्रहण करना कष्टसाध्य प्रतीत होता है। उदाहरणार्थ हृदय सत्ता का सुंदर सत्य, तो हृदय सत्ता का तात्पर्य प्रकाशमय चैतन्य और सुंदर सत्य का अभिप्राय है, उस हृदय स्थित चैतन्य के अव्यक्त सौंदर्य का प्राकृतिक जगत के व्यक्त रूप में प्रकाशन, अथवा हृदय में अव्यक्त रूप से विद्यमान परम सत्ता या ईश्वर, ये हृदय सत्ता है और रमणीय विश्व में अभिव्यक्त का चिरंतन सौंदर्य सुंदर सत्य है। प्रसाद के अनुसार मानव सौंदर्य बोध के द्वारा ईश्वर की सत्ता का अनुभव करता है, तो कई प्रकार से व्याख्या हो सकती है। अगले पद्यांश पर चलते हैं। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत आह कैसी है क्या है पीर। कि उत्सुक होकर मैं जब कभी हिमालय की ओर देखती थी तब उसकी ऊंची नीची शैलमालाओं को देखकर मेरे आकुल अंतर की जिज्ञासा और भी अधिक तीव्र हो उठती थी।
कि हिमालय की ऊंची नीची शैलमालाओं को देखकर उसके अंदर जो जिज्ञासाएं थी वो और भी बलवती हो जाती थी, उसकी जानने की इच्छा और अधिक तीव्र हो जाती थी। आगे श्रद्धा कहती हैं कि मुझे प्रतीत होता था कि धरा की यह सिकुड़न भयभीत आह कैसी है क्या है पीर, कि यह प्रतीत होता था कि यह ऊबड़ खाबड़ पर्वत श्रेणी डरी हुई पृथ्वी की सिकुड़न है, मानो पृथ्वी डर कर सिकुड़ गई हो, संकुचित हो गई हो, आकुंचित हो गई हो। मैं खिन्न होकर सोचने लगती थी कि आखिर धरती के हृदय में किस तरह की कौन सी गूढ़ मर्म व्यथा है जिसके कारण वह इस प्रकार त्रस्त और सिकुड़ी हुई है। ये इसकी व्याख्या हो गई। अब आते हैं विशेष बातों पर कि इन पद्यांशों में कौन सी विशेष बातें हैं जिन्हें हम अंकित कर सकते हैं, जिन पर सोच विचार कर सकते हैं। अत्यंत संक्षिप्त रूप में हमने लिखा है, हमने ढूंढा है कि श्रद्धा के आने का समय पूर्व निश्चित नहीं होने के कारण उसे आगंतुक कहा गया है, और साथ ही प्रथम पद्यांश में कल्पनाशीलता है, कल्पना का प्रयोग किया गया इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, श्लेष है ही और अनुप्रास अलंकार विद्यमान है ही। एक और टिप्पणी कर सकते हैं कि अति प्राचीन काल में तक्षशिला से लेकर पूर्वी अफगानिस्तान का विस्तृत भूभाग गंधर्व देश, गंधार अथवा गांधार कहलाता था। दूसरे और तीसरे पद्यांश में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है ही। अनुप्रास अलंकार से आप भली भांति परिचित हैं। अनुप्रास के बहुत सारे भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। तो अंत्यानुप्रास लगभग सभी पद्यांशों में होता है, तो आप लिख सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। द्वितीय और तृतीय पद्यांश में भी है। अगली बात लिख सकते हैं कि हिमालय के गौरवगान की अपेक्षा प्रसाद ने निम्न उन्नत पर्वतीय प्रदेश की भयभीत धरा की सिकुड़न के रूप में कल्पना की है, और उनकी यह कल्पना बड़ी ही अनोखी व चित्तस्पर्शी है। हिमालय का गौरवगान सब करते आए हैं कि हिमालय कितना गौरवशाली है, हम भी जानते हैं, किंतु प्रसाद श्रद्धा की दृष्टि से उसे देखते हैं और एक नवीन कल्पना करते हैं कि मानो धरा भयभीत होकर, त्रस्त होकर, किसी पीड़ा से ग्रस्त होकर सिकुड़ गई हो, और उस सिकुड़ने के फलस्वरूप ही पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ हो। तो यहाँ धरा का मानवीकरण किया गया है, समासोक्ति अलंकार है, जहाँ प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का भी वर्णन कर दिया जाता है, संकेत कर दिया जाता है, तो वहाँ समासोक्ति मान ली जाती है। तो धरा का मानवीकरण और धरा के मानवीकरण और समासोक्ति के द्वारा उसमें नारी का आरोप जो किया गया है वह जो प्रस्तुत भाव हैं उनका उत्कर्षक है। नारी रूपा भयभीत पृथ्वी की जो सिकुड़न का बिंब है वह बहुत ही सुंदर है, मनोहारी है। तो मानवीकरण है, समासोक्ति और अनुप्रास अलंकार तो विद्यमान है ही। आज के कालांश में बस इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।